औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ दिस 3 डे डेमो सीरीज एंड ओरिएंटेशन सीरीज ऑफ अप्रैल बैच। द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, एंड सेकेंड वन इज नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग, द एनालिसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग। उम्मीद करेंगे कि इसको बड़ा अच्छे से एनालिटिकली बेस्ड डिस्कशन हो और आपके साथ जो है वो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लेक्चर इन चैट, एंड अदरवाइज राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर। मैं बगैर क्वेश्चन के आंसर दिए बगैर किसी के ये लेक्चर को कम्प्लीट या कंक्लूड नहीं करूँगा। अगेन इट इज़ अ न्यू बैच फॉर सी एस एस 2022 एंड पी एम एस 2021। दिस इज़ द नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग। अभी रिसेंटली हुआ है जी मार्च के अंदर, एंड द इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ लेक्चर। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्प्रूविंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, वॉट इज़ इंडियाज़ कंपल्जन नाउ टू बी नाइस टू पाकिस्तान। वही मोदी जो कहता था कि ब्लड एंड वाटर डू नॉट मूव टुगेदर, वही फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का सुषमा स्वराज, ऑल दो शी डाइड बट शी सेड दैट पाकिस्तान इज अ टेरर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। वही रजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं मेरे ख्याल में, जो कहते थे कि जी हम जो है वो अपना सेकंड स्ट्राइक या जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स की, उसको चेंज करके पाकिस्तान के अंदर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे और उनके न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो ख़त्म कर देंगे, और ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है इसको हम ख़त्म कर देंगे। वही जो है वो इंडिया के जो सी ओ एस थे जो कहते थे कि पाकिस्तान को जो दो हिस्सों में नहीं बहुत सारे हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, वही इंडिया इस टाइम के ऊपर क्यों जो है वो एक पॉजिटिव जेस्चर दिखा रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी जो है वो 23rd of March में पाकिस्तान को एक गुडविल जो है वो का गुडविल जेस्चर का एक लेटर लिखता है, और क्यों ये क्यों इस वक्त इंडिया के अंदर ये कंपल्जन है टू बी नाइस टूवर्ड्स पाकिस्तान, वाई द क्वेश्चन इज वाई, इसके ऊपर बात करेंगे। वॉट इज पाकिस्तान इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्यों है, क्यों सी ओ एस ने यह स्टेटमेंट दिया कि इट इज टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, क्यों अहमद अजहर ने स्टेटमेंट दिया कि जो है वो हम ट्रेड रिलेशंस को जो है वो दोबारा जो है वो इम्प्रूव करने चाहते हैं और दोबारा बहाल करना चाहते हैं, क्यों जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो डी जी एम ओज की एक मीटिंग होती है और जो है वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अब जो है हम एल ओ सी की वायलेशन नहीं करेंगे, हम 2003 का जो एग्रीमेंट है उसको जो है वो लॉ एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। क्या हो रहा है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का ही है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ही प्ले हो रहा है और कोई चीज नहीं है, या बैक ऑफ द एंड जो है या पर्दे के पीछे कोई ग्रेट पावर्स का भी गेम शामिल है, क्या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की वजह से अच्छा हो रहा है या बेसिकली इट इज़ पेंडरिंग फॉर द वेस्ट एंड इट इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक और इंडिया किसी और के लिए ये गेम प्ले कर रहा है या पाकिस्तान किसी और के लिए ये जो है वो ये चीज़ प्ले कर रहा है, इसके ऊपर बात की जाएगी। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, सी ओ एस के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको इंडिया में किस तरह जो है वो इंटरप्रेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या आएगा, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा रीजन में, कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ करेंगे कि वेदर देयर विल बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पीस तो चले बहुत बड़ा वर्ड है कि क्या सिचुएशन बेहतर होने जा रही है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आ जाएगा एंड कश्मीर का सोल्यूशन आ जाएगा, और इट इज जस्ट एन ऑप्ट कॉस्मेटिक्स थिंग्स टू शो द वर्ल्ड दैट द थिंग्स आर इंप्रूविंग, ये बात करेंगे। देन रिकमेंडेशन दी जाएगी। स्ट्रक्चर के दूसरे पोर्शन पर हम नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की बात करेंगे जो कि इस्लामाबाद में हुआ है, क्या बेसिकली है, क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, इससे पहले कभी भी सिक्योरिटी डायलॉग नहीं हुआ, मैसेज क्या दिया गया अवाम को, रीजन को और दुनिया को, डेफिशिएंसीज क्या थी इस सिक्योरिटी डायलॉग में, लूप होल्स क्या थे, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज थी जो इस सिक्योरिटी डायलॉग ने प्रोड्यूस की, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, एंड देन एट द एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है जी, तो ये हम इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर हम कवर करेंगे, ये आपके सामने है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन सब तमाम चीज़ों को कवर किया जाएगा। आप जैसा कि मैं कहूँगा, बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट जो है वो बात करिएगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन करिएगा पाकिस्तान इंडिया से जो है वो उसी के रिलेटेड, कोई जो है वो इस टाइम पर इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे से रिलेटेड बात नहीं कीजिएगा। चले जी, इम्प्रूविंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं।
प्रीवियस सिचुएशन क्या थी, थोड़ा सा 3-4 साल पीछे से बात करते हैं, प्रीवियस सिचुएशन क्या थी। यहां पे मैंने एरो भी बनाया हुआ है कि भाई प्रीवियस सिचुएशन थी क्या। एक लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी विजिट हुआ था पाकिस्तान का, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक जो है वो एक इम्प्रॉम्प्टू सा विजिट था पाकिस्तान में किया उन्होंने, और लास्ट जो है वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे दो फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान मीटिंग हुई थी। उसके पास कंटिन्यूस जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड है दोनों मुल्कों के रिलेशंस की। सितंबर 18, 2016 उरी अटैक होता है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है जी फरवरी 14, 2019 पुलवामा अटैक होता है, अगेन पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर एफआईआर काटी जाती है पुलवामा की, उड़ी की एफआईआर काटी जाती है, फिर पुलवामा होता है, और फिर नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम पाकिस्तान से रिवेंज लेंगे। 26 फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स होती हैं, पाकिस्तान रिटेलिएटरी स्ट्राइक करता है। फरवरी 27 में अभिनंदन वाला एपिसोड, सबको पता है सिचुएशन उस हद तक पहुँच जाती है कि इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन करती हैं, सिचुएशन को जो है वो डीस्केलेट करती हैं, और उसके बाद से नरेंद्र मोदी अपनी थर्ड टर्म सेकेंड टर्म जीतता है इलेक्शंस की, और वो जो कि आरएसएस का और बीजेपी का शुरू से एजेंडा था, उनका मैनिफेस्टो था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही भारत, एक ही मुल्क एक झंडा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो पूरा करते हैं। अगस्त 5, 2019 में वो रिवोकेट करते हैं आर्टिकल 370 एंड 35 ए कश्मीर से। क्या है वो हम कश्मीर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम कश्मीर को करते हैं। ये क्या करते हैं, वो कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस ख़त्म कर देते हैं कि अब जो है वो कश्मीर इंडियन यूनियन का हिस्सा है, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जम्मू को अलग कर दिया जाता है और बाकी चीज़ों को अलग। बट अगेन ओवरऑल, क्योंकि आप लोग काफ़ी एमेच्योर लेवल पर हैं, कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस ख़त्म कर दिया जाता है। इम्पैक्ट क्या आता है, पाकिस्तान अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की तरफ जाता है, अगेन इट्स अ रिएक्टिव डिप्लोमेसी है, प्रोएक्टिव तो नहीं है, रिएक्टिव डिप्लोमेसी ट्रिगर करता है, सस्पेंशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस हो जाता है, दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर जो है वो वापस बुला लिए जाते हैं, स्टाफ कम कर दिया जाता है। इंटरनेशनल फोरा के ऊपर पाकिस्तान एक पूरी कैंपेन लॉन्च करता है कि इंडिया में जो है वो ह्यूमन राइट्स की वगैरह की वायलेशन हो रही है। ये था 2016 से लेकर 2020 तक का सफर। अचानक फैब के अंदर चेंज, सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आती है। ये जो ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड जा रही थी, ये ट्रेजेक्ट्री कहां पे जाना शुरू हो जाती है, अपवर्ड। किस तरह कह रहे हैं, देखो जैसे मैंने पढ़ाया था ना करंट अफेयर्स में, तो पहले तो टॉपिक डिफाइन करो कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूं चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पहले क्या थी और अब क्या वो साइंस है जिससे ये पता चल रहा है कि यस द डायनेमिक्स आर चेंजिंग। साइंस देखते हैं, ये राजी ट्रेजेक्ट्री अब मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड। कैसा जी, फरवरी 26 को डीजीएमओस डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस फोन करते हैं और कहते हैं कि हम 2030-3 का जो एलओसी सीज फायर एग्रीमेंट है उस पर हम रिकमिट अपना शो करते हैं, अब हम उसकी वायोलेशंस नहीं करेंगे या कोशिश करेंगे इसकी वायोलेशन नहीं की जाए। मार्च 2021 के अंदर इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग होता है, एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट जाते हैं आपके सीओएस की तरफ से, आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वो स्टेटमेंट्स क्या थे उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक स्टेटमेंट था, इट्स टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड वी वॉन्ट एन कंड्यूसिव एटमोसफेयर इन कश्मीर। अब ये कंड्यूसिव एटमोसफेयर का क्या है, क्यों है, बात करेंगे। मार्च 23 में जी एक्सचेंज ऑफ गुडविल जेस्टर्स, गुडविल लेटर्स एक्सचेंज होते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिस्टर इमरान खान के दरमियान। एंड मार्च 31 को हमात अजहर स्टेटमेंट देते हैं कि रीअजम्पशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस होने जा रही है, ईसीसी से पास होती है वो चीज़, इकोनॉमिक काउंसिल है आपकी, बाद में जो है वो एक कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस पर बहस होती है कि ये क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हम नहीं करेंगे, बट ये चीज़ है आपके में, यानी कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम की जाए और खासतौर पे कॉटन और शुगर वहां से मंगाई जाए। दो बातें अभी तक स्टडी की, वो जो ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड जा रही थी वो अचानक ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड जाना शुरू हो गई। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जी पूछे चैट के अंदर। मैं कह रहा हूं ना उड़ी अटैक क्या है, उड़ी अटैक जी इंडिया के अंदर एक बेस थी, वहां पर अटैक हुआ था टेररिस्ट का, कोई सवाल है तो जी पूछें। अभी तक यहां तक कोई सवाल क्लियर है तो बोले सर हां क्लियर है, आप आगे बढ़ें।
कोई क्वेश्चन जी अभी तक यस और नो बोलें जी, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना? मतलब आप लोग जागते रहें, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ वो जो है वो सोए हुए लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, नाउ कम टू द मेन पॉइंट, व्हाट इज इंडियाज कंपल्जन नाउ टू बी नाइस टू पाकिस्तान? क्यों इंडिया जो है वो इस टाइम पर नाइस है पाकिस्तान के साथ, या क्यों इंडिया ये कोशिश कर रहा है? वही इंडिया जैसे मैंने 2016 से आपको 2020 तक बताया, प्रोकेटिव स्टेटमेंट्स, अखुंड भारत का एजेंडा, आरएसएस फिलॉसफी, मार देंगे और जो है वो जंग करेंगे, सुपीरियोरिटी जो है वो उसके अंदर जो है वो दूसरे को गुडविल जेस्चर को उसकी कमजोरी समझना, वही इंडिया क्यों जो है वो इंक्लाइंड है पीस की तरफ? इसको समझने के लिए आपको जो है वो पहली बात तो ये एक चीज समझ लें, पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि नो वन इज पीस फॉर हेयर, नो वन इज हेयर फॉर पीस बेसिकली, ठीक है? नो वन इज हेयर फॉर पीस, यहां पर कोई भी पीस के लिए नहीं है कि यहां पर पीस हो जाए तो अच्छी हो जाएगी या उनको कोई पाकिस्तान से अचानक मोहब्बत हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज समझ लें, नो वन इज हेयर फॉर पीस। फिर क्या है जी, दिस इज जस्ट द शो फॉर द अमेरिकन्स, अ मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरी, अ फेस लिफ्ट फॉर मोदी रिजी। यानी इस चीज को समझने के लिए आपको एक और इक्वेशन को समझना पड़ेगी, और वो इक्वेशन ये है, यूएस इंडिया और चाइना, ठीक है? यूएस इंडिया और चाइना की आपको इक्वेशन समझना पड़ेगा, इसको समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर आप पिछले 5 से 7 साल में देखें, आफ्टर द ट्रंप बेसिकली या ओबामा के दौर से आप देख लें, तो उसका जो मेन कंसर्न है इस टाइम वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। यानी जो चाइना का राइज हो रहा है उसको किसी तरह कंटेन किया जाए, चाइना की जो रीजन के ऊपर डोमिनेशन है या हेजमनी है उसको काउंटर किया जाए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इस दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जो स्टेटस को है, उसको मेंटेन किया जाए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस रीजन में जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिखा है कि जिसको वो यूटिलाइज करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट या उस प्लेयर का नाम है इंडिया। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी के अंदर इंडिया को एज अ स्ट्रेटजिक एलाय समझता है कि ये मेरे सबसे बड़ा एलाय है, फ्रेंड है, और मैं इसको यूटिलाइज कर कर चाइना को कुछ हद तक कंटेन कर सकता हूं। अब इससे पाकिस्तान इंडिया इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों अच्छा हो रहा है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि देर इज अ चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस, ये आपको बात याद रखनी है। चलिए इससे पहले मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूं। इससे पहले एक ये पॉइंट है कि इंडिया, अगर आपने थोड़ी डायनामिक्स देखी हो तो इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं, पर्टिकुलरली द प्रीवियस 1 ईयर, उसको ये बात वो चाइना के साथ इतने अच्छे नहीं है। खास तौर पे जो इंसिडेंट हुआ डोकलाम के ऊपर हुआ, इसके बाद जो है वो ये जो तिब्बत वाला हिस्सा है प्लेचू के ऊपर, यहां पर हुआ बॉर्डर क्लैशेस हुए बिटवीन इंडिया और चाइना के दरमियान, यहां पर इंडिया को एक बात बड़े वाजे तौर पर समझ में आ गई है। आप उनके स्ट्रेटजिक थिंक टैंक्स को पढ़ें या कहीं पर भी उनके जो है ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट सुने, आउट ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट सुने जो है वो इंटरव्यूज में, उनको ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया कैन नॉट फाइट अ टू फ्रंट वॉर साइमल्टेनियसली, इंडिया कैन नॉट सस्टेन अ टू फ्रंट वॉर साइमल्टेनियसली, ये इंडिया सस्टेन नहीं कर सकता। यस, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी बेहतर है, इंडिया जो है वो मिलिट्रीली हमसे स्ट्रांग है, सोशली जो है वो अच्छा है, काफी टेक्नोलॉजिकल वाइज हमसे एडवांस है, लोगों के बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट उसके अंदर है। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स इंडिया कैन नॉट फाइट अ टू फ्रंट वॉर, वो चाइना एज वेल एज पाकिस्तान के साथ स्ट्रेन रिलेशंस को मैनेज नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली, ठीक है? ठीक है, ठीक है, पहले मेरी बातें सुने। देखिए आप लोगों को जो पता है वो मुझे ना बताएं, ठीक है ना? मुझे भी बातें पता है, पहले मेरी बातें सुने, ठीक है? तो इंडिया कैन नॉट फाइट अ टू फ्रंट वॉर, इंडिया कैन नॉट फाइट, वो टू फ्रंट वॉर कर ही नहीं सकता। अब वो क्या चाह रहा है कि ये जो
पाकिस्तान वाली साइड है ना, इसके साथ किसी तरह सिचुएशंस को इंप्रूव किया जाए। ये इंडिया नहीं, इंडिया तो चाह ही रहा है, लेकिन ये जो आपकी ग्रेटर पावर है ना, जो इंडिया के पीछे बैठकर जो बेसिकली स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी पता है कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ही इन्वॉल्व रहा, पाकिस्तान के साथ ही रिलेशंस के अंदर वो बिजी रहा, तो उसकी अटेंशन चाइना के पास इतनी नहीं होगी। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू इंप्रूव पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, देन आफ्टरवर्ड्स टू कन्वर्ट चाइनाज इंडियाज प्रॉपर अटेंशन टूवर्ड्स चाइना। एक दफा ये वाला हम ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट उसका सही कर दें, फिर हम उसकी अटेंशन पूरी ईस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी गवर्नमेंट क्योंकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो चाह रही है पाकिस्तान के साथ एक पॉलिसी अपनाई जाए जिसका मतलब है नो वॉर पॉलिसी, कि पाकिस्तान के साथ हम वॉर नहीं करें। अब पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करेंगे, अब इंडिया के अंदर जो है वो उनके जो है हार्डलाइनर्स हैं, यानी हार्डलाइनर्स हैं कि भाई हम तो बड़ा मुल्क हैं और आपने बोला था मोदी साहब कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, अखुंड भारत के नारे, आरएसएस के नारे। नाउ व्हाट इज नो वॉर पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट? तो नो वॉर पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट इसके हम वॉर नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, बट लेकिन वी वॉन्ट पीस विद पाकिस्तान ऑन अवर ओन टर्म्स। हम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करेंगे, ना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अमन करेंगे, लेकिन अपनी कंडीशंस के बुनियाद पर, अपनी शराइत के बुनियाद पर। हम जैसा डायनेमिक्स चाहते हैं उस डायनेमिक्स के हिसाब से हम पाकिस्तान के साथ पीस करेंगे। दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ अजीत डोवल एंड मोदी, कि ये पॉलिसी है। दो फ्रंट पे वॉर नहीं कर सकते, एक फ्रंट को सेव करूंगा, उसके साथ पीस करूंगा, लेकिन अपनी तरजीहात के बुनियाद पर, क्योंकि मैं बड़ा मुल्क। अब वो तरजीहात क्या है, वो तरजीहात मैं आपको बता देता हूं। कश्मीर अगस्त 5 हो गया, वहां पर उसके ऊपर बात नहीं होगी। हाँ, कश्मीर के सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अगस्त 5 यानी जो स्पेशल ऑटोनोमस रीजन उसको खत्म किया है वो हो गया, उसको स्टेटस को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान को टेररिज्म के ऊपर बात करनी पड़ेगी इंडिया से, एलिगेशंस को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, कुछ भी हुआ एलिगेशंस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये है उनका एजेंडा, पहली पॉइंट। पहले दो पॉइंट मैंने आपको बताए कि व्हाट इज इंडियाज कंपल्शन नाउ टू बी पाकिस्तान, ये क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, टू फ्रंट वॉर सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट हमारे पास था कि नो वॉर पॉलिसी बट पीस अकॉर्डिंग टू अवर ओन टर्म्स, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं, कुछ हमारे एनालिस्ट या कुछ हमारे इवन टीचर्स भी, सीएसपीज भी, या जिनका इंटरेस्ट है, मेरा तो इन चीजों में काफी इंटरेस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि इट इज अ विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट पाकिस्तान पुश इंडिया टू चेंज इट्स पॉलिसी। वही मोदी जो मैं उल्टा सीधा बोलता, देखो आज कैसे लेटर लिख रहा है। इट इज, इफ यू थिंक दैट यू आर बेसिकली, आप जो है वो डे ड्रीम्स देख रहे, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ ब्लंडर टू थिंक दैट पाकिस्तान पुश इंडिया टू चेंज इट्स पॉलिसी। इट इज जस्ट अ ब्लंडर, ये ब्लंडर है, उसने आपने पुश नहीं किया, डायनेमिक्स चेंज हुई है। वो ग्रेट पावर्स का एक पीछे गेम चल रहा है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को अलाइन किया है अमेरिकन पॉलिसी के साथ, अब वो समझ गए कि प्रायोरिटी हमारी क्या है। पहले दो पॉइंट्स होता है, तीसरे पॉइंट्स की तरफ आ जाए। तीसरा पॉइंट हमारा लिंक करता है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने पर, यानी ट्रंप का डिपार्चर होता है, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अराइवल होता है, ठीक है। ट्रंप का हुआ डिपार्चर, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ अराइवल। ट्रंप जो था वो था, यार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, होने दो, डेमोक्रेसी है नहीं है कोई मसला नहीं है, चलने दो काम, ठीक है। सर्वेलेंस कहीं पर हो रही है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारे साथ खड़ा है, काम चल रहा है, काम चलने दो। बट दिस बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को अलाइन करती है यूएस के आइडियल्स के साथ। यूएस के आइडियल्स क्या है, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आइडियल्स, उनकी प्रायोरिटीज। अब दूसरी तरफ आपको इंडिया नजर आ रहा है जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर वायलेशन हो रही है, ठीक है,
कश्मीर के अंदर देखें, अगस्त 5 के बाद इंडिया ने कितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। यहाँ पर मैंने मैंने पहले भी बताया था, मैं कोई बात एविडेंस के बगैर नहीं कर सकता, या अभी की है, एक दिन पहले का ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एनुअल रिपोर्ट निकाली है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एंड द रिपोर्ट विच कवर्स इंसिडेंट रिपोर्ट 20 हाईलाइटेड 32 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, डेथ ऑफ 63 सिविलियंस, 89 सिक्योरिटी फोर्स मेंबर्स एंड 284 इंसर्जेंट्स अक्रॉस इंडिया। दिस इज द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब एक कंट्री जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, क्या यूएस उसका उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर कर सकता है? कर सकता था, ट्रंप की मौजूदगी में कर सकता है, अभी भी कर सकता है। लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपने आप को प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो डेमोक्रेसी और प्रो जो है वो लिबर्टी शो करिए, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक ऐसी इंडिया जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी करता जाए उसके साथ खड़ा होते हुए नजर आए। पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, इंडियन क्रॉनिकल्स जी, कोई 3 से 4 महीना पहले यू डिसइन्फो लैब में एक पूरी रिपोर्ट छापी जिसमें पता चला कि इंडिया किस तरह दुनिया में प्रोपागंडा कर रहा है, फेक इंफॉर्मेशन के तहत किस तरह सर्विलेंस कर रहा है। उसका रिपोर्ट का नाम था इंडियन क्रॉनिकल्स। 2005 से इंडिया ने 750 फेक मीडिया चैनल्स ने 116 कंट्रीज के अंदर, 550 उनकी वेबसाइट्स हैं, और इस तरह के बहुत ज्यादा डाटा इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। अगेन, एक वो गवर्नमेंट जो प्रो लिबर्टी की बात करती है वो कैसे एक ऐसे कंट्री के साथ खड़ा हो सकता है जो इस तरह की चीजें कर रहा है? देन इक्वेशन क्या बनती है? 2 पॉइंट्स तो मैं आपको समझा चुका हूं। अब उन्होंने क्या बोला अमेरिकन्स ने कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं तो आईओके में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक कंड्यूसिव और कंट्रोल एटमॉस्फेयर आ जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया टेबल्स पर बैठेंगे। इसका मतलब है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस, इंसिडेंट्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। इंडिया की जो डिसइन्फो कैंपेन्स है, अगेन पाकिस्तान भी इतना एफर्ट नहीं करेगा कि उनको इंटरनेशनल फोरा के ऊपर जो है वो हाईलाइट किया जाए, यानी इंडिया की नेगेटिव इमेज की प्रोपगेशन पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ जो है वो पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो हर चीज जो है वो हासिल हो जाएगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी कम हो जाएंगी, टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी कम हो जाएंगे, इंडिया की इमेज जो पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर पूरी कोशिश में होता है कि प्रोपगेट किया जाए नेगेटिव, जब इंडिया टेबल पर होगा वो चीज भी कम हो जाएगी। देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी आसानी के साथ अपने आप को अलाइन कर सकती है इंडिया के साथ। ठीक है, बड़ी आसानी से इंडिया के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगी। इसमें इंडिया के भी पीस ऑन आवर ओन टर्म्स की बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर पे अगस्त 5 के ऊपर बात ना हो, वो हमारा स्टेटस हो गया, उसके ऊपर हम हर बात करना चाहते हैं, और टेररिज्म की भी बात होगी, उनकी पहली डिमांड है, उसके ऊपर भी बात हो जाएगी, वहां पर उनके हर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यानी दो फ्रंट पर वॉर भी नहीं हो रही, नो वॉर पॉलिसी भी है पाकिस्तान के साथ, पीस जो हम जो है वो इंश्योर कर रहे हैं वो भी हम पीस इंश्योर कर रहे हैं अपनी टर्म्स के ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि जो हमने अगस्त 5 के ऊपर कश्मीर का ऑटोनोमस स्ट्रक्चर खत्म किया था वो हम वापस ले रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं भाई वो वहां वहीं पर रहेगा, इंडिया वाले बोल रहे हैं, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ बैठ रहे हैं। फिर जो ह्यूमन राइट्स की कम होने की वजह से, बाकी चीजों की कम होने की वजह से यूएस भी हम अपने आप को अपने हमसे अलाइन कर लेगा। तो ये है इस सवाल का आंसर जो मैंने पहले लिखा था कि व्हाट इज इंडियाज कंपल्जन नाउ टू बी नाइस टू पाकिस्तान। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ यूएस इंडिया चाइना एंड अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स, नो कैन नॉट सस्टेन 2 फ्रंट वॉर, नो वॉर पॉलिसी बट पीस अकॉर्डिंग टू आवर ओन टर्म्स, और फिर यूएस को अलाइन होने के लिए इंडिया की वजह से पाकिस्तान के साथ पीस कराना पड़ेगा ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इंडिया की इमेज जो खराब हो रही है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो, और जो है वो चीजों को फिर उस तरफ फोकस किया जाए जो कि मेन गोल है, जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, यहां तक कोई सवाल है तो जी पूछें, क्योंकि अब मैं डाइवर्ट करने जा रहा हूं पाकिस्तान की तरफ। ये तो इंडिया के हो गए, हम क्यों चाह रहे हैं कि अमन हो? यस और नो बोले जी प्लीज, क्या हो गया आप लोगों को, सोते नहीं, सोया नहीं करें मेरी क्लास में? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि भाई इंडिया की ये सारी चीजें हो गई, अब यूएस तो अपने आप को अलाइन कर लेगा इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया को क्या फायदा है यूएस के साथ? मतलब इंडिया बोले भाई आप तुम आपकी कंटेनमेंट पॉलिसी चाइना की, आपकी आप चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी आपको हमारी जरूरत है, तभी तभी आप हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करा रहे हैं, बट हम क्या चाहते हैं, इंडिया क्या चाहता है? मतलब इंडिया क्यों वो काम कर रहा है जो यूएस के इंटरेस्ट में है, इंडिया क्या चाहता है यूएस से, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों एक ही पेज के ऊपर होंगे। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, चाहे वो सर्विलेंस हो, इंडिया बेटर वेपन सिस्टम चाहता है, इंडिया इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया मार्केट एक्सेस चाहता है यूएस का, इंडियन थ्राइविंग कम्युनिटी इन द वेस्ट के अंदर चाहता है वो मजीद बढ़े, ताकि इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़े, इंडिया आसानी से लॉबी कर पाए, इंडिया ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को एट द लेवल ऑफ इररेलेवेंसी के ऊपर कर दिया जाए कि हाँ भाई हम ताल्लुकात कर रहे हैं, रेलिवेंसी खत्म करके और फिर पाकिस्तान की कहीं बात ही ना हो। That is why इंडिया भी चाहता है कि हम यूएस के साथ अलाइन हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर वेपन सिस्टम, इकोनॉमिक असिस्टेंस, मार्केट एक्सेस, ट्रेड रिलेशंस, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। यह है इंडिया का इंटरेस्ट, यह है इंडिया का प्लान, दैट इज वाई इंडिया इज बेसिकली नाइस टूवर्ड्स अस। कोई पीस की बात और कोई ऐसी चीज नहीं है, इट जस्ट अ कॉस्मेटिक्स। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। अलीशा पूछे व्हाट इज मीन बाय सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट ये है कि देखें ना, सिचुएशन जो है वो खराब होगी, रीजन में मसला होगा, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की रेलेवेंसी बढ़ेगी, कुछ कंट्रीज पाकिस्तान की बात मानेंगे, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के इमेज टार्निश करेगा। जब इंडिया के साथ बेटर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है पाकिस्तान बोलता रहे, मेन प्लेयर्स फिर क्या होंगे? ठीक है पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे, पाकिस्तान पे मेन प्लेयर्स हो जाएंगे इंडिया, यूएस और चाइना, पाकिस्तान की फिर रेलेवेंसी खत्म हो गई ना। क्या आपने जब तक ताल्लुकात खराब है आपकी रेलेवेंसी है, कि पाकिस्तान भी एक गेम में एक प्लेयर है, वो चाहते हैं कि बस हमसे ताल्लुकात ठीक करके थोड़ा इधर उधर करके इनको इररेलेवेंस पे कराएं, जो कि नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं, ये मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया जाए रीजन में, लेकिन पाकिस्तान नहीं हो सकता इररेलेवेंट। बड़ी कोशिश की है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड पाकिस्तान फ्रॉम दैट इक्वेशन। पाकिस्तान को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाए पाकिस्तान की क्या कंपल्शन है, पाकिस्तान क्यों चाह रहा है कि पीस हो, पाकिस्तान चाहे मैं बता, पाकिस्तान की क्या कंपल्शन है जरा सुने देखें। पाकिस्तान की कंपल्शन को समझने के लिए आपको जियो इकोनॉमिक्स या जिसको कहा जाता है जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन समझनी पड़ेगी। रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है, रीजन की जो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है पढ़े जरा। आपकी वेस्टर्न साइड के ऊपर अफगानिस्तान है जो कि फेल्ड स्टेट है, यानी वहां से कभी भी टेररिज्म इंसिडेंट कुछ भी होता है, फायरिंग हो जाती है, रिफ्यूजीज आते हैं, हमारे पास जो है वो इलीगल ट्रेड हो रही होती है, स्मगलिंग होती है, आपके वेस्टर्न साइड सेफ नहीं है। अफगानिस्तान इज लाइक अ बॉम्ब कार्टर विद यूएस लेड कोलिजन फोर्सेस बंकर, देयर इज अ नेवर एंडिंग पीस मिशन। फिर आपके पास ईरान है, थोड़ा सा अगर आप उसे ऊपर चले जाएं वेस्ट साइड के ऊपर ही, अगेन ईरान हमारी क्या मदद करेगा, उसको खुद अपनी मदद की जरूरत है। ईरान इज अ फ्रेंड इन नीड क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं और उस आर बाइटिंग मोर देन अवर्स, और उसके सैंक्शन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो खुद एक मदद में। फिर आप आ जाए सऊदी अरबिया एंड यूएई। सऊदी अरबिया एंड यूएई वो मुल्क हैं जो इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न लॉबी में जाके खड़े हो गए और वो एक पूरी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि किसी तरह अपने रिलेशंस को इंप्रूव करें, चाहे उनके साथ इसराइल को मेंटेन करना है या कुछ करना है, उनके लिए मेन थ्रेट ईरान है। अगेन आपके साथ कोई नहीं, वी प्रोबेबली हैव मोर फ्रेंड इन साउथ अमेरिका देन आवर कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में हमारे पास तो फ्रेंड ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना। That is why पाकिस्तान की अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखें तो ये कंपल्शन है कि भाई वेस्टर्न साइड पे एक फेल्ड स्टेट है, ऊपर ईरान है, वो बेचारा खुद जो है वो उसमें है, हमारे साउथ में समंदर है, नॉर्थ में सिर्फ चाइना है। और ये बात याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं होते तो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है ना, वो फिर वन साइडेड रिलेशन, या फिर वो आप ये बोले वो फिर
बैलेंस नहीं होंगे, वो फिर इम्बैलेंस रिलेशन होंगे कि चाइना का बड़ा एक लेवरेज होगा पाकिस्तान के पास। कोई पाकिस्तान के पास कोई और फ्रेंड या कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है, हमें इंडिया से बचना है और इंडिया हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, फिर हर जगह हमें चाइना की जरूरत होगी। चाइना को हमारी जरूरत शायद है भी, सीपैक के लिए हो सकती है, दूसरी चीजों के लिए हो सकती है, लेकिन फिर इम्बैलेंस सिचुएशन होता है, फिर चाइना आपको काफी जगह डिक्टेट भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपके साथ इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव होगा, यूएस के साथ रिलेशनशिप हो गए, तो चाइना के साथ जो बैलेंस है ना वो मेंटेन हो जाएगा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को हमने समझा, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, दैट इज वाई वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू स्टेबलाइज रिलेशन विद इंडिया। आगे बढ़ते हैं, और क्या हमारी जरूरत है जी, और हमारा मसला है जी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इस बात की जो है वो इसका सबसे बड़ा कॉज है, इंडिया ने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया है और इकोनॉमिक कंडीशन को मजीद भी एक्सप्लॉइट करेगा अगर आप उसके साथ कोई सिचुएशन नहीं इंप्रूव कर रहे। क्या जी, 13th IMF का बेल आउट पैकेज है। IMF की कंडीशंस, अगर आपने US के साथ इंटरेस्ट को अपने आप को अलाइन नहीं किया और जो US जिस तरह कह रहा है इंडिया के साथ आपने रिलेशंस इंप्रूव नहीं किया है, ये IMF बेल आउट पैकेज आपकी इकोनॉमी को उड़ा देगा। IMF बेल आउट पैकेज कैन किल अवर इकोनॉमी, ये बात मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, IMF बेल आउट पैकेज कैन किल अवर इकोनॉमी। IMF जितना भी बोल दे कि वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ये है वो है फलाना, एट द एंड US डिक्टेट्स IMF। अभी भी COVID-19 के बाद जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, वो भी इस वजह से हुई है कि IMF ने आपको जो है वो रिलैक्सेशन दी हुई थी कंडीशंस पे, अब उन्हें दोबारा लगा दिए। देन स्काई रॉकेटिंग है आपके मुल्क में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो एडवाइजरी रोल के ऊपर थे, हफीज शेख, प्राइम मिनिस्टर ने उनको फारिग कर दिया। देन जी FATF की ग्रे लिस्ट है, कभी भी आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, और FATF की ग्रे लिस्ट के पीछे जो सबसे बड़ा कंटेंडर है पाकिस्तान को डालने वाला, उस मुल्क का नाम है इंडिया। अगर इंडिया के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं, इसका मतलब US के साथ भी इंप्रूव हो जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से FATF की ग्रे लिस्ट में बाहर आ सकते हैं। अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में गए, IMF भी आपको बोलेगा अब हम आपको लोन नहीं देंगे, वो अपना बैग पैक करेगा बाहर चला जाएगा। फिर वीट डेफिशिएंट कंट्री, आप एक फूड सरप्लस कंट्री से फूड डेफिशिएंट कंट्री की तरफ जा रहे हैं, आपको वीट की जरूरत है, आपको शुगर की जरूरत है, आपको कॉटन की जरूरत है, अगर आप अपने नेबर की जगह डिस्टेंट कंट्री से लेंगे आपको महंगा पड़ेगा। तो यह है पाकिस्तान की कंपल्जन। पहली कंपल्जन क्या थी, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। दूसरी कंपल्जन है हमारी इकोनॉमिक वर्स इकोनॉमिक कंडीशन, एबिस्मल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें बेल आउट पैकेज है, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, FATF ग्रेट लीग्स, वीट डेफिशिएंट कंट्री, यह है पाकिस्तान की कंपल्जन। दैट इज वाई इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर स्टेटमेंट दिया था, बल्कि स्टेटमेंट क्या दिया था, एक रोड मैप दिया था, एक पैराडाइम शिफ्ट दिया था कि अब जो पाकिस्तान की पॉलिसी होगी वो 4 कोर पिलर्स के ऊपर होगी। इस पूरी कंडीशन को देखते हुए वो 4 कोर पिलर्स क्या है, नॉन इंटरफेरेंस इन द अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट, हम किसी भी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद इन द रीजन, लव्स पढ़ें, हमारी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स, हमारा पैराडाइम शिफ्ट है कि सिक्योरिटी से अब इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वाई आर्मी चीफ ने कहा कि ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तीसरा पॉइंट जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स हब्स इन द रीजन। क्या अगेन तीसरे पॉइंट में कि कनेक्टिविटी हो, ट्रेड बढ़े, ताकि इकोनॉमिक्स हब किया जाए, ताकि ओवरऑल जो है वो सिचुएशन इंप्रूव हो, और इसके साथ साथ पीस विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द कंट्रीज या इन द रीजन। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन और कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस और जो उसकी जो मुश्किलात हैं, द प्रॉब्लम्स चैलेंजेस, उसको देखते हुए ये है आपका रोड मैप। दैट इज वाई इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नाइस टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया का क्या था वो भी आपको समझाया, पाकिस्तान क्या क्या चाहता है जी, अगर इंडिया के साथ सिचुएशन इंप्रूव हो, पाकिस्तान की नजर में क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान समझता है कि वो हमें हासिल हो जाएंगी। पहली चीज जी, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज, IMF से एक रिलैक्सेशन मिलेगी, हार्श कंडीशंस जो है वो थोड़ी ईज होंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी। तीसरी चीज जी, नीड्स गुड सेटलमेंट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस भी फास्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया
कैन प्ले द रोल ऑफ स्पॉयलर, अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं हुए, एक दफा रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो वो स्पॉयलर का रोल की प्रॉबेबिलिटी कम हो जाएगी, पीस प्रोसेस का चांस बढ़ जाएगा, और एक दफा पीस होता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ट्रेड करेगा, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ जाएगी। पाकिस्तान नीड्स ब्रीथिंग स्पेस इन कश्मीर, पाकिस्तान को कश्मीर में ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। आए दिन जैसे जैसे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन बढ़ेंगी कश्मीर में, पाकिस्तान की अवाम का प्रेशर बढ़ेगा उसकी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कोई एक्शन लें। कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है, ओवरऑल जो है वो इंप्रूवमेंट होती है। पाकिस्तान लीड लेजिटिमेसी ऑन सीपैक, इंडिया सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो अपोजर है किसका, सीपैक का। एक दफा इंडिया के साथ सिचुएशन बेहतर होती है, सीपैक के ऊपर एलिगेशंस भी कम होंगी और एक ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपको कंड्यूसिव मिलेगी जिसे आप सीपैक भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस मैंने आपको बताई, पहली कि सिचुएशन बुरी थी, अच्छी हुई, क्यों अच्छी हुई, इंडिया क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों उसके लिए कंपल्जन है, वो क्या समझता है कि उसको क्या क्या चीजें हासिल होंगी, पाकिस्तान के क्या कंपल्जन है, चैलेंजेस है, और पाकिस्तान क्या समझता है इससे जो जो चीजें जो है वो हासिल होंगी। ठीक है जी, अब जो स्टेट, अच्छा यहां तक कोई सवाल है तो पूछें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैंने बता दिया, इसका आंसर दे दिया जी। सीपीआई में बाबू एंड द रीजन फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी अगेन फिर उसको समझाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी है क्या सर, हाउ आईएमएफ कैन किल पाकिस्तान इकोनॉमी जी, आपको कंडीशंस रखकर, ठीक है ना, आपको कंडीशंस रखी जाएंगी कि आप डेवलपमेंट बजट्स को कट कर दें, आप यहां पे डेवलपमेंट कट कर दें, आप अपने स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस कट कर दें। अभी जो है स्टेट बैंक का जो आपने अमेंडमेंट एक्ट पास किया वो भी आईएमएफ की कंडीशनलिटी कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दें, फिर आपका स्टेट बैंक के ऊपर कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, यानी फिर आप अपने मुल्क की इकोनॉमी खुद नहीं चला रहे होंगे, फिर वो बाहर से बैठ के दूसरे लोग चला रहे होंगे। कार्ड्स का मतलब है जी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कर्गिस्तान, जो है वो ये वाले कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। रबेब कह रही है, राबिया कह रही है सर आपकी स्पीड फास्ट है बोलने की, मैं जी इसलिए फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन वन सेशन, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। इसके अलावा कल इंग्लिश ऐसे के सेशन हैं, कंपोजिशन के सेशन हैं, और फिर मंडे को जो है वो फिर मैं अपना सेशन शुरू करूंगा, दैट इज वाई मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा इंशाल्लाह, ये वाला सेशन तो जरूर अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, आप आराम से सुनिएगा। ठीक है ना, चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं थोड़ा सा तेज। नो, पाकिस्तान कैन नॉट अपसेट चाइना, पाकिस्तान अगर चाइना को अपसेट कर नहीं सकता। देखिए मैं आपको कंक्लूड करूंगा, मोहसिन रुके ना, मैं आपको कंक्लूड करूंगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज के ऊपर, ये नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है, इस पार्ट का भी हिस्सा है, ठीक है ना, कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। अब वो कॉन्ट्रोवर्सीज क्या थी, यहां तक पूरी क्वेश्चन समझ में आ गई, ओवरऑल सारी चीजें समझ में आ गई, अब ये समझते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है। कॉन्ट्रोवर्सीज क्या हुई जी, इट इज टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया, इट इज टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। काफी इंटरप्रिटेशंस की गई, पाकिस्तान की साइड की इंटरप्रिटेशन ये थी कि भाई जो पास्ट में हुआ उसको भुलाते हैं और मूव फॉरवर्ड कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की पाकिस्तान में अपोजिशन है उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान शायद ये बोल रहा है कि इंडिया ने जो भी कश्मीर में किया, अगस्त 5 में किया, ऑटोनोमस रीजन खत्म कर दिया, उसको भी भूल जाए और फिर मूव फॉरवर्ड करें। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इंडियन साइड की इंटरप्रिटेशन ये थी कि इट इज टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया है, यानी उड़ी अटैक और पुलवामा अटैक और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो है वो पार्लियामेंट पे अटैक या फिर ताज होटल के ऊपर अटैक, उनको हम भूल जाए और हम आगे बढ़े। हाउ कुड वी ट्रस्ट पाकिस्तान, इंडियन मीडिया ने यह क्वेश्चन रेज किया कि हाउ कुड वी ट्रस्ट पाकिस्तान एंड हाउ कुड वी बरी द पास्ट डिस्पाइट नॉट नोइंग एवरीथिंग। तो दोनों कंट्रीज ने स्टेटमेंट्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है। फिर आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था नो इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ अनदर कंट्री, कि हम किसी भी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज करने वालों ने कहा कि इसका मतलब कि आप कश्मीर में आप कश्मीरियों का साथ नहीं देंगे, ठीक है, इसका मतलब आप वहां पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपने इंडिया को खुलेआम बता दिया है, बट इसका यह मसला नहीं था। देखिए कश्मीर को पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानता, हम बात करें कि हम किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, एक ऑटोनोमस रीजन मानते हैं, उसके लिए हम हर मुमकिन मदद करेंगे।
यही इंडिया मीडिया का भी कहना था। देन कंड्यूसिव एटमोसफेयर इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्निफाइड स्टेटमेंट था। पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया जिसमें अगस्त 5 की बात नहीं थी, कि इंडिया ने वो जो रिवोकेशन की थी आर्टिकल्स की, जिसमें प्लेबिसाइड की बात नहीं थी, जिसमें यूएन रेजोल्यूशन की बात नहीं थी। तो एक ये लाइटर सा स्टेटमेंट था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, जिसमें ऑल दो पाकिस्तान में क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन एक 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 जो है वो रैशनल स्टेटमेंट था। क्योंकि मैंने आपको पूरी चीजें पिछले से पढ़ाई हैं कि देखिए चैलेंजेस हैं, सिचुएशन डेलिकेट है, वी नीड ब्रीथिंग स्पेस। इस टाइम के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि कश्मीर में जो है प्लेबिसाइड कराओ और कश्मीर को आजाद करो। इस टाइम के ऊपर हमें हमारी सिचुएशन डेलिकेट है, ठीक है, इस टाइम के ऊपर हमारी सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट है, तो हमें बातों को समझना है। इट इज अ वेरी रैशनल स्टेटमेंट एंड अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना। इसके लिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देना आसान बात नहीं है। बट अगेन इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, इंडियन न्यूज पेपर इज सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। देखो हमारी विक्ट्री है, हमने आर्टिकल किया और ये स्टेटस को मेंटेन हो गया। देखिए ना, अब आप एक आम स्टूडेंट, मैंने यही बोला था अभी, मुझे शायद सना ने पूछा था कि सर किस तरह क्रिटिकल एनालिसिस बनाए, ये है क्रिटिकल एनालिसिस। एक आम बंदा है जो गली में जा रहा है, बोलेगा देखो जी कश्मीर से पीछे हट गए, देखा जी डर गए इंडिया से, अब देखा हमने तो बोला था पीछे हट गए, ये लोग डरपोक हैं और ये नहीं कर। बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट, सीएसएस एस्पायरेंट, अगर आपको इक्वेशंस का पता है, डायनेमिक्स किस तरह मूव करी है, देन यू कैन बेसिकली डेवलप अ बेटर एनालिसिस कि भाई बात ऐसी नहीं है, बात डरने की नहीं है, ठीक है ना। डिस्क्रेशन इज अ बेटर पार्ट ऑफ वैलर, ठीक है ना। काफी दफा आपने सोचना होता है, आपने चैलेंजेस को देखना है, सिचुएशन को देखना है कि भाई इस वक्त मुल्क की सिचुएशन में क्या है, इस वक्त मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। इस वक्त मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में अच्छी इकोनॉमी, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना, IMF की कंडीशंस को ईज कर देना, यह है मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर। हम कभी भी नहीं कह रहे कि हमने कश्मीर से पीछे हट रहे हैं। अगर आप उनकी पूरी स्पीच सुने, वहां पे कश्मीर का जिक्र है। इनफैक्ट PM इमरान खान ने जो लेटर लिखा उसमें भी कश्मीर का जिक्र है। हम बोल रहे हैं कि हमें कश्मीर का सलूशन चाहिए और इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी, बट दिस इज नॉट द टाइम टू गिव इरेशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब अगर इससे पहले जो भी आप स्टेटमेंट देते थे तो आप बोलते थे कि भाई इंडिया से जब बात होगी, जब इंडिया ने अगस्त 5 के ऊपर जो ऑटोनोमस स्टेटस खत्म किया है कश्मीर का, उसको वो वापस ले। लेकिन पहली दफा आपका ऐसा स्टेटमेंट आया जिसमें उसकी इस तरह की कोई बात नहीं थी। अच्छा जी, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर? मैं सिंपल बात दे रहा हूं, जैसे कि मैं अभी भी बता रहा हूं कि अपोजिशन ने इसको एक्सप्लॉइट किया, PM इमरान खान की स्पीच को भी एक्सप्लॉइट किया, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ट्रिगर कर सकती है। एहसन इकबाल का स्टेटमेंट है कि बेसिकली दिस गवर्नमेंट जो है वो इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बेच दिया है, पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर दी है, क्योंकि आप कहते थे कि हम इंडिया के साथ ताल्लुक जब तक सही नहीं करेंगे, जब तक वो कश्मीर में उसको ऑटोनोमस स्टेटस बहाल नहीं कर देता, ह्यूमन राइट्स बंद नहीं कर देता, इंडिया वही सारी चीज़ें कर रहा है, आप अपने स्टांस से क्यों वापस हटे? इसका मतलब आप जो है वो या तो आपकी इंडिया के साथ कोई सेटलमेंट हो गई या कुछ हो गया है। यानी कहने का मकसद यह कि अपोजिशन इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लॉइट करेगा, उनका जो पूरा एक अलाइंस है PDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसको वो और उसको एक प्रोपेलिंग फोर्स मिल जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आप देखें हमाद अजहर ने जो स्टेटमेंट दिया था इकोनॉमिक रिलेशंस को दोबारा रीइन्वोग्रेट करने का, वो एकदम से कैबिनेट मिशन में वापस, कैबिनेट की मीटिंग में वापस ले गया। PM इमरान खान ने हमाद अजहर को बोला कि भाई तुम्हें किसने कहा था? तो उन्होंने बोला सर आप ही ने मुझे बोला था एक दो हफ्ते पहले कि इस तरह की बात करें। क्यों उनको करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। तो यह है पॉलिटिकल इंपैक्ट। स्ट्रेटजिक इंपैक्ट क्या है जी रीजन में? क्लियर स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की, हमें सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स से, फ्रॉम जो है वो सिक्योरिटी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हुए टेंशन शायद जो है वो इस टाइम पे डाई आउट हो जाए या थोड़ी सी कम हो जाए। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जो है वो मजीद रैपिड हो जाएगा आने वाले दिनों में, बट मेन क्वेश्चन इज हाउ चाइना विल रिएक्ट। चाइना किस तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, चाइना इस सिचुएशन पे किस तरह रिएक्ट करेगा? अगर लेजिटिमाइजेशन हो जाती है सीपैक की, ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी होती है, तो चाइना पॉजिटिवली मूव बिहेव करेगा, और बहुत सारे इसमें प्रोबेबिलिटी है कि चाइना पॉजिटिव ही जो है वो बिहेव करेगा इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन में आपको दे दूं, इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड एनीथिंग, इस टाइम पे बहुत अर्ली है किसी चीज को कंक्लूड करना, गेट थिंग्स सेटल डाउन अ लिटिल बिट, देन हम इसके ऊपर अच्छी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना है, कोई एक साल से मैं ये चीज कह रहा हूं कि एट द एंड पाकिस्तान हैज टू चूज
वन कंट्री, क्योंकि ये जो सिचुएशन जा रही है ये अगेन कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ जा रही है, जिसमें दो ग्रेट पावर्स आपस में आमने सामने आके खड़ी हो जाएंगी, एक का नाम है चाइना, एक का नाम है यूएस। तो आज नहीं तो कल, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, यू हैव टू चूज वन कैंप, आइदर चाइनीज कैंप और द कैंप ऑफ वेस्टर्न पावर्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये नहीं हो सकता, अगेन इट इज इट नीड्स डिप्लोमेसी, इट नीड्स फॉरेन पॉलिसी, कि हम इसके साथ भी इंप्रूव रखें और इसके साथ भी इंप्रूव करें, और ये करना चाहिए और यही हम कर रहे हैं कि हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। बट एट द एंड यू हैव टू चूज वन कैंप, और उसके बाद से एक फिर वो ग्रेट पावर राइवलरी शुरू हो जाएगी और फिर वो आगे मूव करेगी। ठीक है ना, तो वन थिंग इज श्योर, देयर विल बी नो परमानेंट पीस और एनी रेजोल्यूशन, बिकॉज कोई परमानेंट पीस की तरफ नहीं जा रही। इट इज माय कंक्लूजन, यू कैन डिफर विद माय कंक्लूजन विद योर ओन आर्गुमेंट्स, आप डिफर कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, बट इट इज माय कंक्लूजन दैट देयर विल बी नो परमानेंट पीस और एनी रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर और व्हाटसोएवर, बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन टू ग्रेट पावर्स एंड पाकिस्तान एंड इंडिया आर ए टू अपोजिट पोल्स। पाकिस्तान इंडिया दो अपोजिट पोल्स के ऊपर है, तो कोई परमानेंट पीस इन अ डिस्टेंट फ्यूचर, ऑल दो नियर फ्यूचर में तो आपको नजर आ सकता है, डिस्टेंट फ्यूचर में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही एज फार एज माय एनालिसिस कंसर्न। अगेन आई एम सेइंग यू कैन डिफर विद माय ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट जो है वो क्रिटिक और जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इन कॉन्क्लूजन नो फैक्ट एंड फिगर, मतलब क्या कॉन्क्लूजन में कौन सी फैक्ट और फिगर लिखता है, तो मेरा एनालिसिस है, पूरी डिबेट आपको बताई तो मैंने। अगेन सना, पाकिस्तान इज एट द चाइनीज कैंप ना, पाकिस्तान तो चाइनीज कैंप में, मतलब चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, सीपैक है और जो है वो फला जो है ग्वादर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है, वी हैव नो अदर चॉइस। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर कोई है तो पूछे, फिर मैं नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तरफ मूव करूंगा। जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन है जी पूछे। मैंने ये नहीं कहा कि अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, इस टाइम पर तो एंटी यूएस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तभी तो हम नाइस हो रहे हैं इंडिया के साथ, तभी तो हम ये सारी सिचुएशन कर रहे हैं, तभी तो स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ऐसे। चले जी, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तरफ जाएंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली है क्या? इस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, वी शुड हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड अबाउट आवर ओन पर्सपेक्टिव। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए पाकिस्तान के पास, जो कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग ने प्रोवाइड किया, ताकि हम दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव बता सकें, अपना नैरेटिव बता सकें कि भाई हम कहां चाहते हैं। ठीक है ना, कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया को बता सके कि हम कहां पर खड़े हैं, वेयर द स्टेट इज गोइंग, हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं, स्टेट किस तरफ जा रही है और कहां पर हमें जाना है, और पाकिस्तान में कंसेंसस किस चीज पर है। यह है नेशनल डायलॉग इट्स ऑल अबाउट, कि हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म हो और हम अपनी दुनिया को बताएं हमारा नैरेटिव रिलेटेड टू डिफरेंट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। कब तक हम दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करते रहेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स, म्यूनिच डायलॉग है, एस्प्रिन डायलॉग है, शंग्रीला डायलॉग है, मनामा डायलॉग है, कब तक हम दूसरों के डायलॉग्स जाकर और 45 मिनट के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, 30 मिनट से 40 मिनट की एक स्पीच के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे कि बस वहां जाके हमने एक स्पीच दे दी और फिर दुनिया हमारा नैरेटिव सुनेगी, ये नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई हमने एक अपना डायलॉग लिया, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि हर साल होगा, और उसके थ्री हम एक राइट नैरेटिव देंगे दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की थिंकिंग क्या है। फीचर्स क्या होंगे जी, इसके फीचर्स क्या थे? पहली इसकी जो है वो मीटिंग हुई इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की, इसके फीचर्स थे जी, ये मोस्टली एक्सटर्नली फोकस था, इंटरनल सिचुएशन पे फोकस नहीं था, एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर फोकस था। एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड एंड डोमेस्टिक ऑडियंस वेयर द स्टेट इज गोइंग, व्हाट द कंसेंसस इज एंड वेयर वी मूव फॉरवर्ड, हम कहां, वेयर वी मूव फ्रॉम हियर, हम कहां पर खड़े हैं, कंसेंसस किस चीज के ऊपर है, हम किस तरफ जा रहे हैं।
इसके अंदर डेफिशिएंसी ये थी कि जैसे भी आप जो लोग जो है वो दूसरे, अगर आपने डायलॉग्स कभी देखे हों तो वहाँ पे दूसरे मुल्क के भी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स आ जाते हैं या उनके फॉरेन जो है वो ऑफिस के लोग आ जाते हैं, वहाँ के थिंक टैंक्स आ जाते हैं, यानी उनके ऑफिशियल्स लोग आते हैं। यहाँ पर मसला ये था कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मिसिंग थे, बाहर के जो है फॉरेन ऑफिस के या उनके जो है फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। थिंक टैंक्स तो प्रेजेंट थे, बहुत सारे वेस्टर्न थिंक टैंक्स यहाँ पर मौजूद थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज फीचर ये था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी हमारा सिक्योरिटी पैराडाइम तो था ही, हम सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टेट तो हैं ही, लेकिन पहली दफा इकोनॉमी के ऊपर फोकस दिया गया और बताया गया दुनिया को कि नाउ वी आर मूविंग एंड वी वांट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। मैसेज क्या था जी? बहुत सारे मैसेजेस थे, कुछ बिग मैसेज, कोर मैसेजेस क्या थे? बिग मैसेजेस क्या थे जी? नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर पाकिस्तान सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पाकिस्तान के कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बालाकोट स्ट्राइक हुई 26 फरवरी को, पाकिस्तान ने विद इन 24 आवर्स में रिटेलिएटरी स्ट्राइक हुई। इसी तरह अगर कोई एग्रेशन करेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे जितनी भी बड़ी पावर हो। क्लियर कंसेंसस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एज द वे फॉरवर्ड, पहली दफा कंसेंसस हुआ कि सिक्योरिटी के लिए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जरूरी है, यानी इसमें सिर्फ सिक्योरिटी के इदारे नहीं होंगे, उसमें सिविलियन डोमेन भी होगी, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, उसमें थिंक टैंक्स भी होंगे, उसमें डिफरेंट जो है वो सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग भी होंगे, चाहे वो क्रिटिक्स ही क्यों ना हो, ताकि हम एक ओवरऑल पिक्चर, एक 360 डिग्री के ऊपर एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए। पाकिस्तान स्टैंडिंग फॉर अ पैराडाइम बट अराउंड थ्री पिलर्स, वो थ्री पिलर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पीस। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और हम चाहते हैं पीस। फोकस इंक्लूसिव पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, होल पाकिस्तान अकेडमिया, यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करने वाला लोग, क्रिटिक्स, सबको दावत दी गई, एडवाइजरी पोर्टल और डायलॉग भी लॉन्च किया गया ताकि कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो प्रोड्यूस हो। कॉन्ट्रोवर्सीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज थी ये वाली स्लाइड के ऊपर, तीन तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। इट इज टाइम टू बरी द पास्ट वाले स्टेटमेंट के ऊपर, गलत इंटरप्रेट किया गया या डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया, नो इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स को इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट या क्रिटिसाइज किया गया, और एक कंड्यूसिव एटमोसफेयर इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को क्रिटिसाइज किया गया। ये थी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर। ठीक है जी, अब आपका कोई और स्टेटमेंट हो तो यहाँ पर बता दें। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग को मैंने पूरा जो है ना वो पहले ही पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्यों अच्छे हुए, क्यों ये स्टेटमेंट आया, क्यों हम चाहते हैं पीस, इंडिया क्यों चाहता है पीस। ठीक है ना, तो अब इस ओवरऑल जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो बता दे, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा, तो जिसका भी जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले। नहीं जी, ऐसा नहीं है जी, चाइनीज आर वर्स देन यूएस, ये आपकी सोच ऐसा नहीं है। अगर आपने मेरे से सीपैक का, मुझसे सीपैक का लेक्चर लिया तो ये आपकी सोच खत्म हो जाएगी। ठीक है, व्हाट अबाउट यूगर मुस्लिम केस विद द यूएस इज कंटिन्यूइंग रेजिंग। उमर जहांगीर, आपको तो पहले ये फैसला करना है कि आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और अ मुस्लिम। इफ यू आर पाकिस्तानी फर्स्ट, आपके लिए नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप पहले पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान के लिए सोचना है कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट उसकी इकॉनमी है, पाकिस्तान के लिए उसकी उसकी डेवलपमेंट है, उसकी सोशल बेटर है। अगर आप अगेन if you consider yourself a Muslim first, then again फिर आप युगार मुस्लिम्स की भी बात कर सकते हैं, आप पैलेस्टाइन के मुसलमानों की भी बात कर सकते हैं, आप जो है वो यमन के मुसलमानों की भी बात कर सकते हैं, सीरिया के मुसलमानों की भी बात कर सकते हैं, कश्मीर के मुसलमानों की भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह तो फिर आपको सऊदी अरेबिया को भी बोलना चाहिए कि वो यमन में क्यों जुल्म कर रहा है, इसराइल को भी बोलना चाहिए वो पैलेस्टाइन में क्यों जुल्म कर रहा है। ठीक है ना, सोमालिया के अंदर हो रहा है, इसी तरह जो है वो दूसरे कंट्रीज में मुसलमानों के जुल्म है, सबको आपको बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो वी हैव टू डिसाइड कि वेदर वी आर मुस्लिम फर्स्ट और पाकिस्तानी फर्स्ट। इफ वी कंसीडर आवरसेल्फ पाकिस्तानी फर्स्ट, आर प्रायोरिटीज विल बी चेंज। ये थोड़ा सा कड़वा सच है, इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जी बिल्कुल इमरान, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि ये आपको टॉपिक जारी बातें समझ में नहीं आएगा, बट अगेन इट इज फॉर द, हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे या डिफरेंट बैचेस के भी थे उनके लिए जो है वो एक अपडेट फॉर्म थी, और ये अभी रीसेंट टॉपिक है, तो जाहिर बात है जब आप पूरा बैच लेंगे तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी तो आपको ना FATF का पता होगा, ना आपको अगस्त 5 का पता होगा, ना आपको जो है जो एमएचओ स्टूडेंट्स के, तो ये ऊपर से जाएगा। आई हैव ज्वाइंड अराउंड 7:30, देन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने 7:30 बजे ज्वाइन कर लिया, शुक्र है आपने 8 बजे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ना,
और कोई जी, और कोई क्वेश्चन जी? हाँ ठीक है, अब मैं आखिरी पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ जी। दिस इज द लास्ट डेमो क्लास एज फार एज द करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर इज कंसर्न। कल हमारी इंग्लिश एसे और कंपोजिशन की क्लास है, टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया जाएगा। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम बेसिकली मेकिंग दिस अनाउंसमेंट कि जिन बच्चों को करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या पूरे बैच में रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपना नाम लिखा है, मैं आपको अकाउंट नंबर भी सेंड कर दूंगा, फीस सबमिट करा है, मुझे स्क्रीन शॉट शेयर करें। एंड If you do not want to join the session, then best luck and best wishes for your preparation. मेरा नंबर हर एक के पास है, ग्रुप में भी है, जस्ट मुझे मैसेज करें, मैं फीस आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। If you still have doubts on our teaching methodology, on our basically on our slides or timings or any other thing, then उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, then I recommend you to join any other platform. ठीक है ना? तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करानी है डायरेक्ट मैसेज में। थैंक यू जी।